हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय चौधरी स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आरजे करियर पॉइंट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कर्ज वॉकिंग के बारे में। कर्ज वॉकिंग की रिक्वायरमेंट कौन से पेशेंट में पड़ती है, जैसे कोई पेशेंट है जिसका फुट एम्पुटेशन हुआ हुआ है और उसके अंदर आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस लगाया हुआ है, उस कंडीशन में उसको वॉकिंग के लिए कर्ज की जरूरत पड़ती है, कर्ज की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम पढ़ेंगे मैनर ऑफ वॉकिंग विद हेल्प ऑफ कर्ज, कर्ज की सहायता से पेशेंट को कैसे वॉकिंग यानी कि उसका मूवमेंट उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो कर्ज वॉकिंग के बारे में पढ़ने से पहले इसकी बेसिक चीजें देख लेते हैं, जैसे जो वॉकर होगा उसका हाइट कितना होगा, वॉकर के दौरान जो एक्सिला और वॉकर के बीच में जो गैप होगा वो कितना रखेंगे, वॉकर कर्ज जो कर्ज बोल रहे कर्ज और एक्सिला के बीच में कितना डिफरेंस रहेगा, और जो एक्सिला सॉरी बॉडी एंड कर्ज के बीच में कितना गैप रखेंगे, और पेशेंट सॉरी नर्स पेशेंट के कौन से साइड में उसके सपोर्ट में खड़ी रहेगी, उनकी चीज के बारे में। और फिर इनके गेट के बारे में पढ़ेंगे, टू पॉइंट गेट क्या होता है, कौन से पेशेंट में टू पॉइंट गेट यूज करते हैं, थ्री पॉइंट गेट क्या होता है, फोर पॉइंट गेट क्या होता है, स्विंग टू गेट क्या होता है, स्विंग थ्रो गेट क्या होता है, और जब पेशेंट प्रोस्थेसिस लगा हुआ उस कंडीशन में स्टेयर अप एंड स्टेयर डाउन की प्रोसेस कैसे होती है, उसके बारे में हम कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैनर ऑफ वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ कर्ज, कर्ज की सहायता से वॉकिंग के मैनर के बारे में स्टडी करते हैं। जो वॉकर का गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर करें और कंटिन्यू क्लास के साथ बने रहे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीच में मिस कर दिया तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। जहां भी आपको प्रॉब्लम होती है इसमें काफी इमेज आएगी, इमेज के थ्रू क्या कि एक कंप्लीट जो कर्ज वॉकिंग है प्रैक्टिकल बेसिस चीज है जिसको हम प्रैक्टिकली समझा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं पढ़ाया जा रहा है उसको मैं इमेज की सहायता से उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपना क्वेश्चन रख देना, उसी टाइम पे उस चीज को क्लैरिफाई कर दिया जाएगा, या फिर आपको जो इमेज दिखा रहा हूँ वो अच्छे से आपको विजिबल नहीं हो रही उस टाइम पे भी आपको नोटिफाई करना बताना उस चीज के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं मैनर ऑफ वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ कर्ज, कर्ज की सहायता से वॉकिंग में वॉकिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले जो कर्ज होता है उसके हाइट की बात करते हैं, कर्ज हाइट जो कर्ज का हम लेते हैं उसका हाइट क्या होता है, तो उसके हाइट की बात करते हैं। पर्सन हाइट कर्ज का जो डायग्राम है उसका मैं डायग्राम जो इमेज है वो इमेज दिखाऊंगा आगे। जो पर्सन की हाइट होगी, पर्सन हाइट माइनस 16 इंच, ये इसका फॉर्मूला है। जो कर्ज है उसकी हाइट को मेजर करने के लिए क्या करना है, जिस भी पेशेंट में जिस किसी भी पेशेंट में कर्ज की जरूरत पड़ रही है वॉकिंग के अंदर, उस पेशेंट की हाइट मेजर करना है सबसे पहले, और उसकी हाइट में से 16 इंच माइनस करना है। एक इंच का मैंने बताया था 2.2 सेंटीमीटर होता है, तो 16 इंच उसकी हाइट से माइनस करके माइनस करेंगे तो वो उस पेशेंट की क्या होगी, क्लाइंट की क्या होगी, कर्ज का हाइट रहेगा। नेक्स्ट वन हम मूव करते हैं जो कर्ज होगा उसका प्रेशर की बात, तो डोंट वेट बियर ऑन, डोंट वेट बियर इन द एक्सिला, जो एक्सिला वाला रीजन है उस रीजन पे जो वेट है वो वहां बियर नहीं करना, उसका कारण क्या है, बिकॉज रिस्क ऑफ ब्रेकियल फ्लेक्सस डैमेज, जो एक्सिला वाला रीजन है, एक्सिला वाला रीजन है वहां पे कर्ज का जो प्रेशर होता है उसको वहां पे बियर नहीं करना, जैसे कर्ज को पकड़ते हैं दोनों तरफ से और जो कर्ज है वो एक्सिला वाला रीजन में रखते हैं, तो जो प्रेशर पड़ रहा है उसको प्रेशर को एक्सिला पे नहीं रखना है, उसका कारण क्या है, क्योंकि एक्सिला के थ्रू कौन सी नर्व गुजरती है, ब्रेकियल नर्व, तो ब्रेकियल नर्व जो ब्रेकियल फ्लेक्सस गुजरता है, तो ब्रेकियल फ्लेक्सस में कौन सी नर्व की इंजरी होने की चांसेस होती है, तो रेडियल नर्व इंजरी, रेडियल नर्व
इंजरी की पॉसिबिलिटी रहेगी उस पेशेंट में। यदि कर्ट्स वाल्किंग के दौरान यदि जो कर्ट्स है जो बॉडी का पूरा प्रेशर है यदि एक्सिला वाले रीजन से कर्ट्स के ऊपर पड़ रहा है तो उस दौरान ब्रेकियल फ्लेक्सस डैमेज होगा। ब्रेकियल फ्लेक्सस डैमेज होने की वजह से रेडियल नर्व में इंजरी होगी। रेडियल नर्व में इंजरी होने से डेवलप होगी कंडीशन रिस्ट ड्रॉप। जो रेडियल नर्व सप्लाई कर रही है उसके डैमेज होने की वजह से कौन सी कंडीशन डेवलप होगी? रिस्ट ड्रॉप वाली कंडीशन डेवलप होगी। गुड आफ्टरनून। तो क्या होगा? रिस्ट ड्रॉप। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब जो प्रेशर है उसको एक्सिला वाले रीजन में हम रख नहीं सकते तो प्रेशर को कहां पे प्लेस करना है? तो वेट बियर ऑन, वेट बियर ऑन हैंडल ऑफ कर्च। जो कर्च के हैंडल है उस रीजन के अंदर हमें प्रेशर रखना है। जो डायग्राम होगा आगे उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चीज। 22-30 डिग्री एल्बो फ्लेक्शन। जो एल्बो है उसका फ्लेक्शन, जैसे कर्च को पकड़ेंगे जो वेट बेयर करेंगे उस हैंडल से पकड़ के उस एल्बो का जो फ्लेक्शन होगा वो 22-30 डिग्री रहेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कर्च वॉकिंग के दौरान जो एल्बो का फ्लेक्शन होता है वो कितना डिग्री होता है? तो वो होगा 22-30 डिग्री फ्लेक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कर्च वॉकिंग है उससे नर्स स्टैंड अफेक्टेड साइड ऑफ पेशेंट। यानी कि कर्च वॉकिंग के दौरान जो नर्स पेशेंट के सपोर्ट में खड़ी रहेगी उसका साइड क्या होगा? अफेक्टेड साइड। पेशेंट के जिस साइड के अंदर प्रोस्थेसिस लगा हुआ है जो साइड अफेक्ट है उस साइड के अंदर नर्स सपोर्ट के अंदर खड़ी रहेगी, यानी कि अफेक्टेड साइड खड़ी रहेगी नर्स। क्वेश्चन आता है एग्जाम में काफी। नेक्स्ट लाइन है गैप बिटवीन एक्सिला एंड कर्च। जो कर्च और एक्सिला वाला रीजन है, जैसे ये एक्सिला हो गया यहां पे कर्च रखते हैं तो उसके बीच में गैप कितना रहेगा? एक्सिला एंड कर्च के बीच में गैप रहेगा 2-3 फिंगर, 2-3 फिंगर का गैप रखेंगे। उसका रीजन क्या था? ब्रेकियल फ्लेक्सस की इंजरी से प्रिवेंट करना। उस रीजन के कारण एक्सिला से 2-3 फिंगर नीचे रखना है कर्च को। नेक्स्ट है लेटरल डिस्टेंस टू कर्च। जो व्यक्ति है, पर्सन है जिसमें कर्च वॉकिंग कर रहे हैं, उस पर्सन की और उस कर्च की उसके बीच में कितना डिफरेंस रहेगा, कितना डिस्टेंस रहेगा? तो कर्च को बॉडी से हाफ फिट डिस्टेंस पे रखेंगे, हाफ फिट। जो कर्च और बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस है वो हाफ फिट का रहेगा और एक्सिला एंड कर्च के बीच में जो डिफरेंस है वो 2-3 फिंगर रहेगा। और जो नर्स स्टैंड रहेगी कर्च वॉकिंग के दौरान जिस साइड में प्रोस्थेसिस लगा हुआ है, जो साइड अफेक्टेड है उस साइड के दौरान उस साइड में नर्स उसके सपोर्ट में खड़ी रहेगी। और जो एल्बो का फ्लेक्शन होगा कर्च वॉकिंग के दौरान वो 22-30 डिग्री एल्बो फ्लेक्शन देखने को मिलेगा। और जो वेट बियर करेंगे वो कर्च के हैंडल पे बियर करेंगे। एक्सिला वाले रीजन को प्रिवेंट करना है क्योंकि वहां पे ब्रेकियल नर्व ब्रेकियल फ्लेक्सस पास होता है तो उसके कंप्रेशन की वजह से रेडियल नर्व की डैमेज हो सकती है, उस कारण जो रिस्ट ड्रॉप वाली कंडीशन है वो डेवलप हो सकते हैं। तो जो कर्च है उसका इमेज देखते हैं वो कैसा दिखता है। कर्च इमेज की तरफ मूव करते हैं। आपको जहां भी प्रॉब्लम आ रही है, जो चीज समझ में नहीं आ रही तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं जहां भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो कर्च वॉकिंग से रिलेटेड जितनी भी लाइनें लिखी जा रही है प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं यहां से। तो इमेज की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा इमेज है। जो वाल्कर होता है कर्च, इसको क्या बोलते हैं? कर्च बोलते हैं। आपको इमेज अच्छे से विजिबल हो रहा है क्या?
अपना रेस्पॉन्ड दे, इमेज अच्छे से विजिबल होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां से इमेज, क्योंकि टोटली ये प्रैक्टिकल बेस्ड चीज है, तो आप इमेज के थ्रू इस चीज को अच्छे से समझ पाओगे। तो ये वाल कट दिखाई दे रहा है आपको, कट्स बोलते हैं इसको, ये वाला रीजन है, इसको हम एक्जिला के एक्जिला वाले रीजन में रखते हैं। जैसे एक्जिला है उससे 2 से 3 फिंगर गैप रहेगा इसके अंदर, और जो प्रेशर रहेगा वो हैंड का प्रेशर इस रीजन में रहेगा विजिबल। ओके, तो ये कर्च है, तो कर्च में इस वाले रीजन को एक्जिला में रखना है, और एक्जिला और इस कर्च के बीच में जो गैप रहेगा वो 2 to 3 फिंगर, 2 से 3 फिंगर का गैप रखेंगे हम, 2 से 3 फिंगर का गैप रहेगा कर्च एंड एक्जिला के बीच में। और जो ये रीजन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर हैंड से जो पेशेंट होगा वो प्रेशर रखेगा, प्रेशर इस रीजन के अंदर रहेगा, तो पेशेंट का जो वाल्कर जो वॉकिंग के दौरान जो पेशेंट है उसका प्रेशर इस रीजन पे रहेगा, हैंड के ऊपर प्रेशर रहेगा, इस रीजन पे प्रेशर नहीं रखना है क्योंकि ब्रेकियल फ्लेक्सस पास होता है, रेडियल नर्व इंजरी के चांसेस रहते हैं। तो प्रेशर रहेगा हैंडल के ऊपर, और जो गैप होगा एक्सेला एंड कर्च के बीच में वो होगा 2 to 3 फिंगर्स। तो ये कर्च का नॉर्मल इमेज है, आपको इमेज देख के भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाल्कर है, केन है, कर्च है, तो अलग अलग इनके डायग्राम आते, तो ये क्या है, कर्च है जो वॉकिंग के अंदर हेल्प करता है। एग्जाम में इसके क्वेश्चन इसके डिस्टेंस रिलेटेड आते हैं, और जो कर्च और पर्सन के बीच में जो डिस्टेंस बताया था मैंने वो होता है हाफ फिट, आधे फिट का डिस्टेंस होता है कर्च एंड पर्सन के बीच में, और जो एक्जिला और जो कर्च है उसके बीच में 2 to 3 फिंगर्स। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, गेट की तरफ। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम गेट। गेट में सबसे पहला 2-पॉइंट गेट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2-पॉइंट गेट क्या होता है। 2-पॉइंट गेट में क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहले यूज, कौन से पेशेंट में यूज करते हैं 2-पॉइंट गेट को। तो 2-पॉइंट गेट यूज करते हैं 2 both leg prosthesis, both leg prosthesis वाले कंडीशन में क्या करते हैं हम, बोथ लेग प्रोस्थेसिस वाली कंडीशन में क्या करते हैं हम, बोथ लेग प्रोस्थेसिस के अंदर हम 2-पॉइंट गेट काम में लेते हैं, और इसकी पेशेंट इसको वॉकिंग कैसे करता है उस मेथड की बात करते हैं, मेथड इसके अंदर वॉक कैसे करता है पेशेंट। तो सबसे पहले पर्सन क्या करेगा, फॉरवर्ड बोथ प्रोस्थेसिस, बोथ लेग है उन प्रोस्थेसिस की कंडीशन में 2-पॉइंट गेट काम में लेते हैं। 2-पॉइंट गेट में क्या करेंगे, फॉरवर्ड राइट कर्च, राइट कर्च एंड लेफ्ट लेग। सबसे पहले पेशेंट के जो राइट कर्च है उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड रखना है, और उसके साथ ही लेफ्ट लेग को, लेफ्ट लेग एंड राइट कर्च दोनों साथ मूव करेंगे। ये आपको डायग्राम से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, इसको टॉर्टिकल पोर्शन में देखते हैं। सबसे पहले जो राइट कर्च होगा उसको और जो लेफ्ट लेग होगा दोनों को साथ मूव करेंगे, और उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी वो क्या होगी, देन फॉरवर्ड लेफ्ट कर्च, लेफ्ट कर्च एंड राइट लेग। जो कर्च वॉकिंग है सबसे पहले 2-पॉइंट गेट की बात करें हम, 2-पॉइंट गेट के अंदर किस पेशेंट में काम में लेते हैं, जिस पेशेंट में बोथ फुट्स प्रोस्थेसिस लगा हुआ है, दोनों पग के अंदर दोनों पैरों के अंदर प्रोस्थेसिस लगा हुआ है, उस कंडीशन में हम 2-पॉइंट गेट काम में लेते हैं। उस कंडीशन में क्या करेंगे, फॉरवर्ड राइट कर्च एंड लेफ्ट लेग।
सबसे पहले राइट क्रच और लेफ्ट लेग को मूव कराएंगे फॉरवर्ड, उसके बाद में देन क्या करेंगे फॉरवर्ड लेफ्ट क्रच एंड राइट लेग, ये दोनों साथ में चलेंगे, पहले राइट क्रच होगा फिर साथ में लेफ्ट लेग होगा, जस्ट उसके बाद में क्या होगा लेफ्ट क्रच एंड राइट लेग होगा। बॉडी डिस्टेंस कैसे समझ में नहीं आया, जो बॉडी से डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है पीछे की तरफ मुंह करते हैं एक बार, जो कर्च दिखाई दे रहा है आपको ये इमेज दिखाई दे रहा है उसमें क्या करेंगे, जैसे मैं खड़ा हूं मेरे को कर्च की रिक्वायरमेंट है तो ये कर्च है, जो पेन है इसको कर्च बांधते हैं तो कर्च है एक्सिला वाले रीजन में रखते हैं, और जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है उससे कर्च का कितना डिस्टेंस रहेगा तो वो हाफ फिट का रहेगा, लोअर एक्सट्रीमिटीज से डिस्टेंस देखना है कर्च का, जो डिस्टेंस है बॉडी का कर्च से वो लोअर एक्सट्रीमिटीज ऊपर की तरफ एक्सिला में रहेगा, नीचे की तरफ जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है उससे हाफ फिट डिस्टेंस पे रखना है, और जो एक्सिला वाला की बात बताया था मैंने, जो एक्सिला दिखाई दे रहा है ये कर्च है तो इस कर्च को 2 to 3 फिंगर बिलो रखेंगे एक्सिला से, ये डिस्टेंस की बात थी। नेक्स्ट हम 2 पॉइंट गेट के बारे में पढ़ रहे थे कि राइट कर्च और लेफ्ट लेग को मूव करते हैं, देन उसके बाद में लेफ्ट कर्च एंड राइट लेग को मूव करते हैं, तो अब इसका डायग्राम देखते हैं, इसका डायग्राम देखते हैं, ये इसका डायग्राम है, डायग्राम में यदि विजिबल में कोई दिक्कत आ रही है अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा तो आप बोल सकते हो, क्योंकि एग्जाम में डायग्राम देखिए क्वेश्चन पूछता है, तो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है अपने थ्योरेटिकल रूप में देख लिया कि 2 पॉइंट गेट का मीन्स क्या होता है, तो हम उसे प्रैक्टिकली रूप से देखते हैं, ये दिखाई दे रहा है आपको 2 पॉइंट गेट है, 2 पॉइंट गेट में क्या है ये कर्च हो गया, ये कर्च ये पर्सन दिखाई दे रहा है आपको, बोथ लेग प्रोसेसेस के अंदर इसको काम में लेते हैं, फर्स्ट वन क्या करेगा ये दिखाई दे रहा है आपको, ये एरो का निशान दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये फर्स्ट स्टेप है ये सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में वो स्टेबल है, सेकंड स्टेप में मुंह कैसे कर रहा है वो, सबसे पहले राइट कर्च को मुंह कर रहा है और उसके साथ ही ये पीछे वाला लेग दिखाई दे रहा है उसके साथ लेफ्ट लेग को मुंह कर रहा है पेशेंट, राइट कर्च और लेफ्ट लेग दोनों साथ में मुंह करेंगे, जस्ट उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप रहेगी वो क्या रहेगी, लेफ्ट कर्च एंड राइट लेग, ये कर्च वॉकिंग की स्टेप है, एग्जाम में ऐसा क्यों ऐसा इमेज देके भी पूछ सकता है कि 2 पॉइंट गेट है 3 पॉइंट गेट है या 4 पॉइंट गेट है, तो किस टाइप का है 2 पॉइंट गेट, 2 पॉइंट गेट के अंदर दो चीजें साथ चलेगी, एक कर्च और एक लेग, दो चीजें साथ चलेगी उस चीज को बोलते हैं 2 पॉइंट गेट। नेक्स्ट मूव करते हैं 3 पॉइंट गेट, 3 पॉइंट गेट के बारे में देखते हैं हम, नेक्स्ट 3 पॉइंट गेट, 3 पॉइंट गेट के बारे में देखते हैं, जो 3 पॉइंट गेट है उसमें जो मेथड होता है जो प्रोसीजर होता है वो कैसे होता है, वॉकिंग कैसी होती है, उसमें वॉकिंग की बात करें सबसे पहले उसमें क्या करेगा फॉरवर्ड बोथ कर्च एंड अफेक्टेड लेग, देन फॉरवर्ड अनअफेक्टेड लेग, थ्री पॉइंट गेट का मीन्स क्या है, सबसे पहले जो दोनों कर्च दिखाई दे रहे थे आपको वो दोनों कर्च आगे की तरफ मूव करना है, और उसके साथ ही बोथ कर्च एंड अफेक्टेड लेग, जो लेग अफेक्ट है वो दोनों कर्च के साथ मूव करेगा आगे की तरफ और फॉरवर्ड देन, उसके बाद में जो अनअफेक्टेड लेग है वो उसके बाद में मूव करेगा, सबसे पहले बोथ लेग्स और अफेक्टेड बोथ कर्च एंड अफेक्टेड लेग मूव करेगा और उसके बाद में जो अनअफेक्टेड लेग है वो मूव करेगा, इसका डायग्राम देखते हैं, डायग्राम से इस चीज को समझते हैं, ये दिखाई दे रहा है आपको इसको बोलते हैं 3 पॉइंट गेट, फर्स्ट स्टेप है जिसके अंदर पेशेंट स्टेबल है, थ्री पॉइंट गेट बोलते हैं इसको जिसके अंदर पेशेंट स्टेबल है, इस दौरान नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप है इसके अंदर दोनों कर्च और जो ये पीछे वाला लेग दिखाई दे रहा है इसके अंदर प्रोस्थेसिस लगा हुआ है, तो बोथ लेग्स सॉरी बोथ कर्च
एंड जो प्रोस्थेसिस लेग है, अफेक्टेड लेग है, वो सात मूव करेगा उसके बाद में। तो थर्ड स्टेप होगी इसके अंदर क्या करेगा, जो अनअफेक्टेड लेग है उसका मूवमेंट होगा। जो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में पेशेंट स्टेबल रहेगा, देन उसके बाद में जो बोथ क्रच है, ये दोनों क्रच है इनको, और जो अफेक्टेड लेग है उसको साथ में मूव करेगा आगे की तरफ, देन उसके बाद में क्या करेगा, जो अनअफेक्टेड लेग है उसको मूव करेगा। एग्जाम में डायग्राम देखेगी भी क्वेश्चन पहुंच सकता है, एग्जाम में डायग्राम से भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको कोई डायग्राम विजिबल नहीं हो रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, अभी दिखाई दे रहा आपको, इसको बोलते हैं थ्री पॉइंट गेट। थ्री पॉइंट गेट क्या होता है, पेशेंट फर्स्ट स्टेप में स्टेबल है, अब उसने वॉकिंग स्टार्ट की, तो वॉकिंग स्टार्ट करेगा वो सबसे पहले दोनों जो वॉकर्स हैं उनको, सॉरी दोनों जो कर्स है उनको, और जो अफेक्टेड लेग है जिसमें प्रोस्थेसिस लगा हुआ है, उन तीनों को साथ में मूव करेगा फास्ट, देन उसके बाद में क्या करेगा, देन उसके बाद में अनअफेक्टेड लेग को मूव करेगा। सबसे पहले स्टेबल रहेगा, सेकंड स्टेप आएगी उसमें बोथ कर्स एंड अफेक्टेड लेग मूव करेगा, देन अनअफेक्टेड लेग मूव करेगा। इस चीज को बोलते हैं थ्री पॉइंट गेट। क्या बोलते हैं इसको, थ्री पॉइंट गेट। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, फोर पॉइंट गेट। नेक्स्ट है फोर पॉइंट गेट, नेक्स्ट हम मूव करते हैं फोर पॉइंट गेट। फोर पॉइंट गेट, फोर पॉइंट गेट किस कंडीशन में यूज करते हैं, यूज व्हेन वन लेग या वन फुट प्रोस्थेसिस, जब किसी एक लेग के अंदर, वन लेग के अंदर प्रोस्थेसिस होगा, उस कंडीशन में फोर पॉइंट गेट काम में लेंगे। फोर पॉइंट गेट का जो वॉकिंग का मेथड रहेगा वो रहेगा, वॉकिंग स्टेप रहेगी वो रहेगी कुछ इस प्रकार से। फर्स्ट वन फॉरवर्ड, फॉरवर्ड राइट कर्च, फॉरवर्ड राइट कर्च, देन उसके बाद में जो लाइन लिख रहा हूं वो स्टेप है, सबसे पहले राइट कर्च को मूव करना आगे की तरफ, सेकंड वन देन फॉरवर्ड, देन फॉरवर्ड लेफ्ट लेग, राइट कर्च मूव किया, उसके बाद में सेकंड स्टेप में क्या करना है, लेफ्ट लेग को मूव करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप देन फॉरवर्ड, देन फॉरवर्ड लेफ्ट कर्च, उसके बाद में लेफ्ट कर्च को मूव करना आगे की तरफ, देन उसके बाद में ये चार स्टेप हो गई, फर्स्ट वन राइट कर्च, फिर लेफ्ट लेग, फिर लेफ्ट कर्च, देन लास्ट क्या होगा, देन फॉरवर्ड, देन फॉरवर्ड राइट लेग। ये चार स्टेप है फोर पॉइंट गेट में, जो वन लेग प्रोस्थेसिस के अंदर यूज करते हैं इसको। सबसे पहले जो फॉरवर्ड करेंगे वो राइट कर्च को करेंगे, राइट कर्च के बाद में सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, लेफ्ट लेग को फॉरवर्ड करेंगे, देन उसके बाद में लेफ्ट कर्च फॉरवर्ड होगा, लास्ट वन राइट कर्च, सॉरी राइट लेग फॉरवर्ड होगा। ये चार स्टेप होंगे। नेक्स्ट इसका डायग्राम की तरफ मूव करते हैं, इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं, इसको थ्योरेटिकल पोर्शन बता दिया मैंने, एग्जाम में इसके डायग्राम से भी क्वेश्चन आ सकता है। इस प्रकार का जो ये डायग्राम आपको विजिबल हो रहा है, तो इस डायग्राम में क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर मैंने बताया था कि राइट कर्च को मूव करना है, सबसे पहले राइट कर्च को फॉरवर्ड करना है, सेकंड स्टेप में क्या बताया था मैंने, लेफ्ट लेग को फॉरवर्ड करना है, थर्ड स्टेप में क्या बताया था मैंने, थर्ड स्टेप में क्या बताया था मैंने, लेफ्ट कर्च को फॉरवर्ड करना है, और लास्ट वन राइट लेग को फॉरवर्ड करना है। तो ये चार स्टेप हैं, सबसे पहले राइट कर्च होगा, देन लेफ्ट लेग, देन लेफ्ट कर्च, देन राइट लेग, चार स्टेप में मूव करेगा, उसको बोलते हैं फोर पॉइंट गेट। तो ये तीन गेट हो गए,
2-point gate, 3-point gate and 4-point gate. इनका ये diagram दिखाई दे रहा है, इसको अच्छे से आपको समझना है कि किस type में 2-point gate किस condition में काम में लेते हैं, 3-point gate किस condition में काम में लेते हैं और 4-point gate किस condition में काम में लेते हैं. तो ये 4-point gate का diagram है. Next move करते हैं हम swing to gate and swing throw gate. Question एक, difference between 2-point gate and 4-point gate seems look like same. जो 2-point gate है और 4-point gate है उनमें basic difference क्या है? मैंने सबसे पहले start किया था वो था 2-point gate. 2-point gate में क्या था? दो चीजें साथ चल रही थी. उसमें क्या था? right crutch and left leg साथ में था. देन उसके बाद में क्या था? लेफ्ट क्रच एंड राइट लेग, दो चीजें साथ में थी, वो 2-point gate में थी. और 4-point gate में क्या था? सबसे पहले हम राइट लेग को मूव करें, देन उसके बाद में राइट क्रच, फिर लेफ्ट लेग, देन उसके बाद में लेफ्ट क्रच, देन राइट लेग. ये 4-point gate में था. तो राइट जो 2-point gate है और 4-point gate है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या था? जो 2-point gate है उसमें दो चीजें साथ चलेगी, एक तो crutch और एक leg, जबकि 4-point gate में जो चारों चीज होगी, दोनों crutch और दोनों leg, वो बिल्कुल सिंगल रहेंगे. 4-point gate में सबसे पहले right crutch, then left leg, then left crutch, then right leg. ये 4-point gate का रहेगा. 2-point gate में क्या रहेगा? right crutch and left leg, ये दोनों साथ मूव करेंगे, then left crutch and right leg, ये दोनों उसके बाद में. तो दो दो साथ में रहेगा 2-point gate में, 2-point gate both. ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्विंग टू गेट की तरफ. स्विंग टू गेट, स्विंग टू गेट किसको बोलते हैं? तो स्विंग टू गेट का मींस क्या होता है? फॉरवर्ड फॉरवर्ड बोथ कट्स, फॉरवर्ड बोथ कर्च एंड फॉरवर्ड बोथ कर्च दोनों कर्च को फॉरवर्ड रखना है. देन उसके बाद में क्या करना है? देन जंप जंप बिहाइंड द कर्च लाइन. स्विंग टू गेट एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आता है, स्विंग टू गेट और स्विंग थ्रो गेट में कंफ्यूज काफी बार करता है बच्चों को. तो स्विंग टू गेट का मींस क्या है? सबसे पहले दोनों कर्च है उनको आगे की तरफ रखना है, फॉरवर्ड करना है, उसके बाद में जंप लगाना है. उसके बाद में जंप लगाएगा और जो जंप लगा के उसका जो पैर होंगे फुट होंगे उसका लाइन कहां रहेगा? बिहाइंड द कर्च लाइन, कर्च लाइन से पीछे की तरफ या कर्च लाइन के ऊपर रहेगा, उसको बोलते हैं स्विंग टू गेट. उसको क्या बोलते हैं? स्विंग टू गेट बोलते हैं. सबसे पहले बोथ कर्च को फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव करना है, देन उसके बाद में जंप करेगा पेशेंट और जो जंप करेगा उसका जो फुट्स का लेवल रहेगा, जैसे ये आपको पेशेंट दिखाई दे रहा है, सबसे पहले जो दोनों कर्च को आगे की तरफ मूव करेगा, सॉरी इसको डायग्राम से देखते हैं. स्विंग टू गेट को डायग्राम से देखते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं स्विंग टू गेट. स्विंग टू गेट क्या बोलते हैं? इसको स्विंग टू गेट बोलते हैं. जो आपको पेशेंट दिखाई दे रहा है इसमें सबसे पहले जो इसके कर्च हैं इनको फॉरवर्ड रखना है, कर्च को फॉरवर्ड रखना है, देन पेशेंट जंप करेगा, लेकिन उसका जो जंप रहेगा वो कर्च लाइन, ये लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये कर्च लाइन है. सबसे जैसे ये कर्च लाइन है, यहां पे जो एक कर्च है यहां पे इनका पॉइंट है, पेशेंट यहां पे है, यहां से जंप लगा के जो कर्च लाइन है वहां तक आएगा या कर्च लाइन से पीछे की तरफ, उस चीज को बोलते हैं स्विंग टू गेट. अच्छे से समझ में आ रहा है स्विंग टू गेट? स्विंग टू गेट पेशेंट जंप करेगा और जो कर्च लाइन है उसके बराबर में आएगा. तो क्वेश्चन पूछता है कर्च लाइन सॉरी जो स्विंग टू गेट है इसका मींस क्या है? नेक्स्ट मूव करते हैं स्विंग थ्रो गेट की तरफ.
नेक्स्ट मूव करते हैं स्विंग थ्रो गेट की तरफ. स्विंग टू गेट में मैंने बताया कि दोनों जो कर्च है उनको फॉरवर्ड रखेंगे, देन उसके बाद में पेशेंट जंप करेगा तो बिहाइंड द कर्च लाइन, कर्च लाइन से पीछे या कर्च लाइन के ऊपर रहेगा, उस चीज को बोलते हैं स्विंग टू गेट. नेक्स्ट है स्विंग थ्रो गेट. नेक्स्ट है स्विंग थ्रो गेट. आपके जो भी क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल क्लियर करवा दी जाएंगे, जो भी आपकी क्योरीज है उनको अच्छे से क्लियर करवा दी जाएगी. तो नेक्स्ट है स्विंग थ्रो गेट. स्विंग थ्रो गेट की तरफ मूव करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो काम होगा वो क्या होगा, फॉरवर्ड बोथ कर्च, जो दोनों कर्च है उनको हम फॉरवर्ड रखेंगे, फॉरवर्ड बोथ कर्च. दोनों कर्च को फॉरवर्ड रखने के बाद में नेक्स्ट वर्क हमारा क्या रहेगा, जो पेशेंट को क्या करने के लिए बोलेंगे, जंप जंप बिहाइंड द कर्च लाइन. उसमें मैंने बिहाइंड बोला था, यहां पर हमने बिहाइंड बोला है, यानी कर्च लाइन के आगे की तरफ. स्विंग टू गेट के अंदर क्या करेगा, कर्च लाइन या कर्च लाइन से पीछे की तरफ रहेगा पेशेंट, और स्विंग थ्रो गेट यानी कि आगे की तरफ, बिहाइंड का मतलब आगे की तरफ, जो पेशेंट जंप करेगा वो कर्च लाइन से आगे की तरफ जाएगा. जैसे दोनों कर्च है उसकी लाइन रहेगा, जो इमेजिनरी लाइन रहेगा उसके आगे की तरफ जंप करेगा, उसको बोलते हैं स्विंग थ्रो गेट. इसका डायग्राम देखते हैं स्विंग थ्रो गेट का. ये आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं स्विंग थ्रो गेट. स्विंग थ्रो गेट सबसे पहले पेशेंट क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप है, इसमें सारी चीजें इक्वल है, बिल्कुल इमेजिनरी लाइन के बीच सीधा है. फिर उसके बाद में क्या करेगा, जो दोनों कर्च है उनको फॉरवर्ड रखेगा, फॉरवर्ड रखने के बाद में जंप करेगा, लेकिन अब की बार जो जंप रहेगा वो कर्च लाइन से, जो आपको ये कर्च लाइन दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं कर्च लाइन. कर्च लाइन से जंप करके आगे की तरफ निकल जाएगा, जंप करके कर्च लाइन से आगे की तरफ मूव कर जाएगा, उसको बोलते हैं स्विंग थ्रो गेट. सबसे पहले फॉरवर्ड बोथ कर्च, देन उसके बाद में क्या करेगा, जंप बिहाइंड द कर्च लाइन, कर्च लाइन से आगे की तरफ. दोनों में बिल्कुल थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, उसमें बिहाइंड है और जो स्विंग टू गेट है उसमें, और स्विंग थ्रो गेट है उसमें बिहाइंड है, यानी कि कर्च लाइन से आगे की तरफ, जो कर्च लाइन है उससे आगे की तरफ. ये कर्च दिखाई दे रहे हैं आपको, इससे आगे की तरफ इतना आगे चला गया, जंप करके जो कर्च लाइन है, जो नॉर्मल यहां से जंप करना स्टार्ट किया इसके बराबर में आना था, लेकिन स्विंग थ्रो गेट में क्या होगा, ये जंप करके इस कर्च लाइन से, एक लाइन दिखाई दे रही है कर्च, उससे आगे की तरफ मूव कर जाएगा, उस चीज को क्या बोलते हैं, स्विंग थ्रो गेट. ये गेट से रिलेटेड डिस्कशन था. नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, स्टेयर अप एंड स्टेयर डाउन. जो प्रोस्थेसिस लगे हुए पेशेंट होते हैं जो कर्च यूज करते हैं, उस दौरान सीढ़ियों पर कैसे चढ़ते हैं कैसे उतरते हैं, उस चीज के बारे में हम डिस्कशन करते हैं. तो स्टेयर अप, स्टेयर अप, स्टेयर अप में क्या होगा, सबसे पहले फॉरवर्ड, फॉरवर्ड अनअफेक्टेड लेग, फॉरवर्ड अनअफेक्टेड लेग को हम सबसे पहले फॉरवर्ड रखेंगे आगे की तरफ, देन उसके बाद में, देन बोथ, देन बोथ कर्च एंड, दोनों कर्च एंड अफेक्टेड लेग. जो स्टेयर अप वाली प्रोसेस है वो दो स्टेप में पूरी होती है, जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं, जो प्रोस्थेसिस लगा हुआ पेशेंट है जो वाल सॉरी कर्च का यूज कर रहा है उस कंडीशन में जब सीढ़ियां चढ़ता है, उस दौरान सबसे पहले जो पेशेंट का अनअफेक्टेड लेग है जो उसको सीढ़ी के ऊपर रखना है, देन उसके बाद में क्या करना है, दोनों कर्च को और अफेक्टेड लेग को दोनों को साथ मूव करना है. नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले जो होगा अनअफेक्टेड लेग को रखेंगे फॉरवर्ड, देन जो कर्च है बोथ कर्च एंड अफेक्टेड लेग को रखेंगे. जैसे इसका डायग्राम देखते हैं, इसके डायग्राम की तरफ मूव करते हैं. डायग्राम जो स्टेयर अप का डायग्राम है वो किस टाइप का होगा, ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है
ये जो दो डायग्राम है, एक स्टेयर अप का है, एक स्टेयर डाउन का है, इस चीज को क्या बोलते हैं? स्टेयर अप, यानी कि सीढ़िया चढ़ना। वाल कर्ज के साथ में सीढ़िया कैसे चढ़ता है, मैंने बताया था। सबसे पहले जो पेशेंट का जो अनअफेक्टेड लेग है उसको मूव करते हैं, जो ये पैर दिखाई दे रहा है आपको, फुट दिखाई दे रहा है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसको पहले रखेंगे सीढ़ी के ऊपर। उसके बाद में क्या करना है, जो अफेक्टेड लेग और बोथ कर्ज है उनको आगे की तरफ मूव करना है। सबसे पहले अनअफेक्टेड लेग, देन बोथ कर्ज एंड अफेक्टेड लेग, ये चीज होगी स्टेयर अप। नेक्स्ट मूव करते हैं हम स्टेयर डाउन। जो पेशेंट प्रोस्थेसिस लगा हुआ है, कर्ज यूज कर रहा है, वो सीढ़ियों से कैसे उतरेगा, स्टेयर डाउन कैसे होगा उसमें। नेक्स्ट है स्टेयर डाउन, सीढ़ियों से कैसे उतरेगा, वो चीज को समझते हैं हम। तो उसके अंदर क्या करेगा, सबसे पहले उसका मेथड क्या रहेगा, फॉरवर्ड सीढ़ियां उतरना, फॉरवर्ड बोथ कर्ज, फॉरवर्ड बोथ कर्ज एंड अफेक्टेड लेग। सबसे पहले दोनों कर्ज को और अफेक्टेड लेग को मूव करेगा। जो स्टेयर डाउन की प्रोसेस है सीढ़ी से उतरने की, उसके डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं स्टेयर डाउन, यानी कि सीढ़ियों से उतरना, स्टेयर डाउन बोलते हैं। इसमें मैंने क्या बताया, सबसे पहले बोथ कर्ज एंड अफेक्टेड लेग को साथ में लेके आएंगे, सीढ़ियों से उतर रहे हैं उस दौरान। ये आपको जो सीढ़ी दिखाई दे रही है इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अफेक्टेड लेग एंड वाल कर्ज को साथ में लेके आएंगे। बोथ कर्ज एंड अफेक्टेड लेग रहेगा फर्स्ट, देन उसके बाद में क्या रहेगा, अनअफेक्टेड लेग। ये दो प्रोसेस है, सीढ़ियां चढ़ना, पेशेंट कैसे सीढ़ी चढ़ता है, स्टेयर अप कैसे करता है और स्टेयर डाउन कैसे करता है। ये दो चीज दो चीजें स्टेयर अप में तो क्या करेगा, सबसे पहले अनअफेक्टेड लेग को लेके आएगा, देन उसके बाद में बोथ कर्ज एंड अफेक्टेड लेग, ये स्टेयर अप होगी। स्टेयर डाउन के अंदर क्या करेगा, जो स्टेयर डाउन दिखाई दे रहा है उसके अंदर क्या करेगा, सबसे पहले सीढ़ी से बोथ कर्ज एंड अफेक्टेड लेग, दोनों कर्ज को और जो अफेक्टेड लेग है जिसके अंदर प्रोस्थेसिस लगा हुआ है उसको लेके आएगा। देन उसके बाद में क्या करेगा, जो अफेक्टेड नॉन अफेक्टेड लेग है, अनअफेक्टेड लेग है, उसको लेकर आएगा। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है कर्ज वाल्किंग, जिसमें हमने गेट फड़े और उसके बाद में जो स्टेयर अप और स्टेयर डाउन की प्रोसेस है, जो कर्ज लगा हुआ है, प्रोसेसिस है, उस दौरान पेशेंट कैसे सीढ़ियां चढ़ता है और कैसे सीढ़ियां उतरता है। तो इसका सुपरफिशियल रिव्यू देखते हैं कर्ज वाल्किंग। तो कर्ज वाल्किंग हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले सबसे पहले जो कर्ज यूज करते हैं, कर्ज वाल्किंग के बारे में पढ़ रहे थे। तो कर्ज वाल्किंग की जो मैनर है नॉर्मल, उसके बारे में फर्स्ट हमने जनरल डिस्कस किया था। इसके हाइट के बारे में, जो पर्सन की हाइट होती है वो माइनस 16 करते हैं। जैसे पर्सन की हाइट है उसकी हाइट मेजर करेंगे सबसे पहले, उसके बाद में से 16 इंच उसमें से माइनस करते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ा था हमने, जो वाल्किंग के दौरान जो प्रेशर होता है उसको एक्सिला वाले रीजन से हमें प्रिवेंट करना है, और जो ब्रेकियल नर्व के डैमेज से प्रिवेंट करता है वो चीज, जब ब्रेकियल नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, ब्रेकियल फ्लेक्सस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो रेडियल नर्व इंजरी होगी, उस कंडीशन में रिस्ट ड्रॉप वाली प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, जो प्रेशर होगा वो कर्ज के हैंडल के ऊपर रहेगा, और जो एंगल होगा 20-30 डिग्री एल्बो फ्लेक्शन रखेंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, जो वो नर्व्स है वो अफेक्टेड साइड में खड़ी रहेगी पेशेंट के सपोर्ट के लिए, और जो गैप होगा एक्सिला एंड कर्ज के बीच में जो गैप रहेगा 2-3 फिंगर, 2-3 फिंगर का हम उसके बीच में गैप रखेंगे। और जो लेटरल डिस्टेंस होगा कर्ज और पेशेंट के बीच में, जो लेटरल डिस्टेंस होगा साइड में, उसको क्या बोलते हैं, उसको वो डिस्टेंस कितना रहेगा, हाफ फिट का डिस्टेंस रहेगा। जो भी आपके क्वेश्चन है वो लास्ट में देखेंगे। ये कर्ज का जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इसके बारे में देखते हैं। जो ये कर्ज है इसको हम एक्सिला वाले रीजन में प्लेस करते हैं, और इसके साथ में जो एक्सिला और जो कर्ज के बीच में जो डिफरेंस बताया था मैंने, डिस्टेंस बताया था, वो 2-3 फिंगर रखेंगे। और जो कर्ज के ऊपर जो प्रेशर डालते हैं, जो पेशेंट का प्रेशर रहेगा, वो कर्ज के हैंडल के ऊपर रहेगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टू पॉइंट गेट की तरफ। जो टू पॉइंट गेट है उसके अंदर क्या करते हैं,
सबसे जो टू बोथ लेग प्रोसेसेस वाले कंडीशन में टू पॉइंट गेट काम में लेते हैं, उसके अंदर हम राइट लेग और लेफ्ट सॉरी राइट क्रच एंड लेफ्ट लेग दो चीजें साथ में चलती है टू पॉइंट गेट के अंदर, राइट क्रच होगा लेफ्ट लेग होगा, दोनों चीज साथ में रहेगी देन फॉरवर्ड। उसके बाद में क्या करेंगे हम, लेफ्ट क्रच और राइट लेग दो दो चीजें साथ में चलेगी टू पॉइंट गेट के अंदर। नेक्स्ट हम इसके डायग्राम की बात कर रहे थे, जैसे दो कर्च दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों कर्च को सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेप है जिसके अंदर पेशेंट स्टेबल है, नेक्स्ट राइट कर्च लेफ्ट लेग दोनों को साथ में रखेंगे, देन उसके बाद में लेफ्ट कर्च होगा और राइट लेग होगा, ये होगा टू पॉइंट गेट के अंदर। नेक्स्ट पढ़ा था हमने थ्री पॉइंट गेट, थ्री पॉइंट गेट में क्या रहेगा, बोथ कर्च विथ अफेक्टेड लेग, दोनों कर्ज और उसके साथ में क्या रहेगा अफेक्टेड लेग रहेगा, देन उसके बाद में क्या करेंगे हम, फॉरवर्ड अनअफेक्टेड लेग है उसको फॉरवर्ड रखेंगे। ये थ्री पॉइंट गेट का डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, सबसे पहले पेशेंट स्टेबल है फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में पेशेंट ने क्या किया, जो राइट बोथ कर्ज और जो अफेक्टेड लेग है उसको मूव किया, लास्ट स्टेप में अनअफेक्टेड लेग को मूव किया, इसको बोलते हैं थ्री पॉइंट गेट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फोर पॉइंट गेट की तरफ, नेक्स्ट क्या है फोर पॉइंट गेट, फोर पॉइंट गेट में हमने क्या पढ़ा था, ये यूज करते हैं वन लेग प्रोसेसेस के कंडीशन में यूज करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे इसमें राइट कर्च को मूव करेंगे, देन उसके बाद में लेफ्ट लेग को मूव करेंगे, देन लेफ्ट कर्च लास्ट वन राइट लेग, यानी कि एक एक स्टेप रहेगी, सबसे पहले राइट कर्च आएगा देन लेफ्ट लेग आएगा देन लेफ्ट कर्च देन लास्ट वन क्या करेगा राइट लेग, चार स्टेप में कंप्लीट होगा जिसको बोलते हैं फोर पॉइंट गेट। नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्विंग टू गेट, स्विंग टू गेट किसमें का कैसे करते हैं, बोथ कर्च को आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं देन जंप करते हैं बिहाइंड द कर्च लाइन, जो कर्च लाइन दिखाई दे रही थी आपको उसके लाइन के ऊपर रखेंगे या उसके पीछे की तरफ, एग्जाम में क्वेश्चन आता है पेशेंट जंप बिहाइंड द कर्च लाइन इंडिकेट द विच टाइप ऑफ गेट, तो वो होगा स्विंग टू गेट। तो पेशेंट जंप कर रहा है दोनों कर्च को आगे की तरफ रखेगा फॉरवर्ड, नेक्स्ट में क्या करेगा जंप करके जो कर्च लाइन है उसके लेवल तक आएगा। नेक्स्ट पढ़ा था हमने स्विंग थ्रो गेट, स्विंग थ्रो गेट में क्या करेगा दोनों कर्च को फॉरवर्ड रखेगा देन बियॉन्ड द कर्च लाइन, जंप करके कर्च लाइन के आगे की तरफ मूव कर जाएगा। जैसे ये डायग्राम मैंने बताया था, ये पेशेंट है स्टेबल है, इसने दोनों कर्च को आगे की तरफ रखा देन जंप किया और जंप करके जो कर्च लाइन थी उससे आगे की तरफ मूव कर गया, ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं स्विंग थ्रो गेट। नेक्स्ट पढ़ा था हमने स्टेयर अप एंड स्टेयर डाउन, यानी कि पेशेंट कर्च के साथ सीढ़ियां कैसे चढ़ता है और सीढ़ियां कैसे उतरता है, तो स्टेयर अप की बात आती है तो सबसे पहले अनअफेक्टेड लेग होगा पेशेंट का, उसको सीढ़ी के ऊपर रखेगा देन बोथ कर्च एंड अफेक्टेड लेग, दोनों कर्च और जो अफेक्टेड लेग है वो दोनों साथ मूव करेंगे। जैसे ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, जो सीढ़ी चढ़ रहा है पेशेंट वो अनअफेक्टेड लेग रख रहा है सबसे पहले, जो बिल्कुल नॉर्मल पैर है उसको रखेगा देन उसके बाद में क्या करेगा पेशेंट, दोनों कर्च और जो अफेक्टेड लेग है जिसमें प्रोसेसिस लगा हुआ है उस पैर को साथ में रखेगा, सबसे पहले अनअफेक्टेड लेग देन बोथ कर्च एंड अफेक्टेड लेग। नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्टेयर डाउन, पेशेंट सीढ़ियां कैसे उतरता है उसके बाद में क्या करेगा अनअफेक्टेड लेग को मूव करेगा, ये स्टेयर डाउन की प्रोसेस है, ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने आज स्टडी किया कर्च वॉकिंग के बारे में और जो इसके गेट है उसके बारे में, कर्च के जो गेट है उसके बारे में, जो टू पॉइंट गेट है थ्री पॉइंट गेट है और फोर पॉइंट गेट है, नेक्स्ट स्विंग टू गेट एंड स्विंग थ्रो गेट, उन लास्ट वन हमने पढ़ा था कि पेशेंट सीढ़ियां कैसे चढ़ता है, स्टेयर अप एंड स्टेयर डाउन की प्रोसेस पढ़ी थी। कर्च वॉकिंग से रिलेटेड काफी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इनके गेट से रिलेटेड आते हैं, जो पेशेंट और कर्च के बीच में डिफरेंस होता है वहां से क्वेश्चन आते हैं, जो पेशेंट सॉरी नर्स पेशेंट के कौन से साइड में उसके सपोर्ट के लिए खड़ी रहती है और जो कर्च का जो हाइट होता है वो कितना होता है, एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, चाहे एम्स का एग्जाम हो चाहे बाकी सीएचओ का एग्जाम हो, जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है कर्च से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं और ये बेसिक चीज है, टोटली ये प्रैक्टिकल बेस्ड चीज है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।